अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सरदार रहमान और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ओप्पो रेनो 4 प्रो का। ये सेल फोन अभी रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है 85,000 रुपीज़ के प्राइस टैग में। सेल फोन का डिस्प्ले आप इसका मेजर सेलिंग पॉइंट कह सकते हैं। इसमें एमोलेड पैनल है जिसकी रेजोल्यूशन 1080p है और 90Hz का रिफ्रेश रेट है। 402 PPI इसकी पिक्सल डेंसिटी है और 500 nits ब्राइटनेस टाइप है और इस पर ग्लास कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है। इस सेल फोन में प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 720G का है और इसमें GPU एड्रीनो 618 का है, जबकि इसकी रैम 8GB है और इसकी बिल्ट इन स्टोरेज 256GB है। इसका मेन कैमरा सोनी IMX586 48 MP का है, वाइड एंगल कैमरा 8 MP का है, मैक्रो कैमरा 2 MP, मोनो कैमरा 2 MP और फ्रंट कैमरा 32 MP का है। और इसकी बैटरी 4000 mAh की है जिसे चार्ज करने के लिए सुपर वूक 2.0 फ्लैश चार्ज है और इसके साथ टाइप सी केबल है और बहुत ही कूल हैंड फ्री है। एंड एड एडवर्टाइज्ड इस सेल फोन का चार्जर इसको 36 मिनट्स में फुली चार्ज कर देता है। तो चलिए अभी इस सेल फोन में कुछ ऐप्स वगैरह हमने इंस्टॉल कर ली हैं जिसमें हम रिव्यू करते हैं। ये इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं इसकी और ये भी कुछ इसकी डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये ऐप्स हैं जो हमने इंस्टॉल की हैं इसमें और डेली रूटीन में यूज़ होने वाली कुछ ऐप्स हम ट्राई आउट करते हैं, इस पर इंस्टॉल करते हैं और 30 सेकंड्स to 45 सेकंड्स के लिए हम हर ऐप को ब्राउज़ करते हैं कि डे टू डे यूजेज में ये सेल फोन कैसे परफॉर्म करता है। और सबसे पहले फेसबुक की ऐप को हम ट्राई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ चल रही है। इतना हम फास्टली नॉर्मल यूसेज में इसको ब्राउज़ नहीं करते हैं लेकिन अपने रिव्यू में हमें इसको फास्टली स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, फास्टली ब्राउज़ करना पड़ता है कि उसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा कर सकें और देख सकें कि बैटरी ड्रेन जो है वो जल्दी तो नहीं होता है, बैटरी तो नहीं ज़्यादा कंज्यूम करता है सेल फ़ोन। फेसबुक की ऐप काफ़ी स्मूथ चली है, अभी इंस्टाग्राम की ऐप को इस पर थोड़ी देर के लिए ट्राई आउट करेंगे और इसको थोड़ा सा स्लो ब्राउज़ करेंगे, थोड़ा सा फास्टली ब्राउज़ करेंगे और आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी स्मूथ चल रहा है और व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी कूल है, इसका डिस्प्ले काफ़ी कूल लग रहा है और लोडिंग उस तरह से नहीं हो पा रही है, मतलब इतना क्विकली नहीं हो पा रही है। और ये सेल फोन का कसूर नहीं होता, ये हमारे नेटवर्किंग स्पीड पे भी डिपेंड करता है क्योंकि इंटरनेट से सब कुछ लोड होना होता है और जो कुछ लोड हो जाता है उसको हैंडल करना वो सेल फोन का काम होता है। टिकटॉक की ऐप है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए ब्राउज़ करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करती है सेल फोन के रिसोर्सेज को, प्रोसेसर GPU वगैरह वाईफाई और सेल फोन की स्क्रीन का सब कुछ यूज़ हो रहा होता है काफ़ी ज़्यादा, तो ये बैटरी को दूसरी ऐप्स की नस्बत ज़्यादा कंज्यूम करती है ये ऐप। तो अक्सर जो एंट्री लेवल के सेल फोन होते हैं उनमें हमें लैग देखने को मिल जाता है इस ऐप में, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ब्राउज़ करेंगे। वीडियोज़ काफ़ी क्विकली लोड हो रही हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हैं लोड होने में और आप देख सकते हैं। तो अभी YouTube के आपको इस पर ट्राई करेंगे, YouTube में जो इसके डेवलपर्स हैं उन्होंने इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है कि सेल फोन में हम 720p या 1080p तक की वीडियोस को प्ले कर सकते हैं, जितना सेल फोन का हार्डवेयर होता है उसके अकॉर्डिंगली इसको मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो अभी एक वीडियो प्ले करके देखेंगे और रेजोल्यूशन में चल के देखते हैं आप इसको 1080p तक प्ले कर सकते हैं। वीडियोस अगरचे 4K तक या 8K तक भी अवेलेबल होती हैं लेकिन इस सेल फोन पे आप YouTube की ऐप में 1080p तक वीडियोस को देख सकेंगे। ब्राउज़र वगैरह अगर आप डिफरेंट ब्राउज़र्स ट्राई करेंगे उसमें ऑप्शंस होते हैं, आप हायर रेजोल्यूशन में वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो आपको ब्राउज़र पे देखना पड़ेगी। अली एक्सप्रेस की ऐप है, इसको थोड़ी देर के लिए ब्राउज़ करेंगे क्योंकि वर्ल्ड वाइडली यूज़ होती है और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसको थोड़ा सा ट्राई आउट करते हैं। आई एम सॉरी फॉर द इंटरनेट स्पीड काफ़ी स्लो आ रही है जिसकी वजह से लोडिंग उतना क्विकली नहीं हो पा रही है, जबकि इस सेल फोन का हार्डवेयर काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है। और अजीब बात यह है कि ओप्पो ने रेनो 4 और रेनो 4 प्रो दोनों में सेम चिपसेट्स दिए हैं और सेम GPUs दिए हैं। जो प्रो पॉइंट है इस सेल फोन का ओप्पो रेनो 4 प्रो का, इसमें एमोलेड डिस्प्ले है और इसके साथ 65W का सुपर वूक 2.0 चार्जर है जबकि रेनो 4 के साथ 30W का चार्जर है। इस तरह से करके दो तीन चीज़ें इसमें मतलब इंक्रीज्ड है, एनहेंस्ड है, जो कि रेनो 4 में नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे कि बैटरी भी दोनों सेल फोन में सेम है
तो अभी ये द्रास की ऐप है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, पाकिस्तान का लीडिंग ऑनलाइन स्टोर है। तो इसको भी हम ट्राई आउट करते हैं अपने रिव्यूज़ में, के जो नॉर्मल यूज़र्स हैं उनको आइडिया हो सके कि सेल फोन कैसे परफॉर्म करता है। इसमें इमेजेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती हैं, हर प्रोडक्ट की 5-6 इमेजेस होती हैं, तो काफ़ी हैवी ऐप है ये। उसके बाद आप देख सकते हैं ब्राउजिंग में, इनसाइडर पेज में भी काफ़ी अच्छे से और स्मूथ से काम कर रहा है। प्ले स्टोर डेली रूटीन में यूज़ होने वाली ऐप है। ऐप्स वगैरह जो लोग मतलब ज़्यादा शौकीन होते हैं डिफरेंट ऐप्स को ट्राई करने के, गेम्स वगैरह को ट्राई करने के, तो इस वजह से हम इस ऐप को भी अपने रिव्यू में ज़रूर ट्राई आउट करते हैं। और जब कुछ हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं प्ले स्टोर से, डाउनलोडिंग हो रही होती है, तो उस दौरान सेलफोन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी लैग कर जाती है। मतलब उस दौरान अगर आप कोई ऐप्स या गेम्स वगैरह चलाएंगे तो वहाँ पे आपको लैग देखने को मिल जाता है। ओके जी, तो गूगल मैप्स की ऐप है, इसको भी थोड़ा सा ट्राई आउट करेंगे। अक्सर एंट्री लेवल के सेलफोन में ये ऐप मतलब लैग कर जाती है, तो इसलिए हम इसको भी ट्राई आउट करते हैं। और डेली रूटीन में यूज़ होने वाली ऐप है, अक्सर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं। तो ये भी काफ़ी स्मूथ चल रही है, आप देख सकते हैं जूम इन जूम आउट है, काफ़ी स्मूथ था। तो इसके बाद हम एक दो न्यूज़ की ऐप है उसको ट्राई आउट करते हैं न्यूज़ लवर्स के लिए डेली रूटीन में। मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। न्यूज़ वगैरह जो लोग देखने के शौकीन होते हैं वो दिन में 4-5 दफ़ा न्यूज़ देखना ज़रूर पसंद करते हैं। तो गूगल न्यूज़ की ऐप है, ये ऑलमोस्ट अक्सर सेलफोन में प्री बिल्ट होती है, और इसमें इमेजेस वगैरह हाई क्वालिटी की होती हैं, और यूट्यूब की और डिफरेंट वेबसाइट्स की वीडियोस हमेशा हो रही होती हैं, सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस नहीं होती हैं। तो डिफरेंट आर्टिकल्स हमें देखने को मिल जाते हैं, कॉलम्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ हमें यहाँ से मिल जाती हैं। और कुछ अर्सा जब आप यूज़ करते हैं तो आपकी फीड आपके इंटरेस्ट लेवल के मुताबिक सेट हो जाती है, आपको अपने इंटरेस्ट के मुताबिक न्यूज़ शो होना शुरू हो जाती है। इसके बाद जी IMDb की ऐप है, यह मूवीज़ से रिलेटेड ऐप होती है। और इसमें कुछ लोगों को जिनको नहीं पता होता उनके लिए अर्ज करना हूँ कि सॉरी, यूट्यूब का पेज ओपन हो गया था। ओके जी, IMDb, इसमें मूवीज़ के रिलेटेड न्यूज़ हमें देखने को मिल जाती हैं, अपकमिंग मूवीज़ के ट्रेलर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, पिक्चर्स शूट्स पे जो ये पिक्चर्स लेते हैं ये लोग एक्टर्स वगैरह की, बिहाइंड द सीन्स कुछ कंटेंट हमें देखने को मिल जाता है। मूवीज़ लवर्स के लिए बहुत ही मज़े की ऐप। और ये वेबसाइट भी जो ट्रेलर्स वगैरह होते हैं ये अपने सर्वर्स पे, अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, यूट्यूब के लिंक्स यहाँ पे नहीं होते हैं, तो उस लिहाज से ये ऐप काफ़ी हैवी होती है और हमें सेलफोन की परफॉर्मेंस को असेस करने में मज़ीद मदद मिलती है। ओपरा ब्राउज़र है, इसमें हमें कुछ थोड़ी देर के लिए हम कोई भी वेबसाइट इसमें ओपन करके उसको थोड़ी देर के लिए ब्राउज़ करेंगे, एक दो आर्टिकल हम चेकआउट करते हैं, और पिंच इन करके जूम को चेक करते हैं कि जूम और टच रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो कैसी है। तो अभी एक न्यूज़ का पेज हमने ओपन कर लिया है, इसमें अब नीचे पिक्चर्स वगैरह भी शो हो रही हैं, तो ठीक था, स्मूथ है, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउज़ करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम ज़्यादा होता जाता है जैसे जैसे हम ज़्यादा मतलब ऐप को ब्राउज़ करते हैं। पिंटरेस्ट की ऐप है, ये काफ़ी कूल, इसमें आर्टिस्टिक वर्क होता है काफ़ी, और सिर्फ पिक्चर्स होती हैं मोस्टली, टेक्स्ट बहुत कम होता है, पिक्चर्स हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और डिफरेंट टैग्स होते हैं ऊपर, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट लेवल होता है आपको उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर टैग्स जो होते हैं, और कुछ पिक्चर्स जो आप खुद से सर्च करना चाहें जैसे वॉलपेपर्स वगैरह होते हैं नेचर बेस्ड, या ऑटो कार्स बाइक्स, जिस तरह का भी आपका इंटरेस्ट लेवल हो उसके मुताबिक आप कीवर्ड्स लेके सर्च कर सकते हैं और अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक पिक्चर्स देख सकते हैं। काफ़ी कूल यहाँ पे इमेजेस होती हैं, और जब हम गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हमें अक्सर जो इमेजेस हैं पिंटरेस्ट की शो हो रही होती हैं। उसके बाद जी वॉलपेपर्स की ऐप है, इसमें जो आपके सेलफोन की रेजोल्यूशन होती है उसके अकॉर्डिंगली आपको वॉलपेपर्स शो हो रहे होते हैं, और काफ़ी कूल वॉलपेपर्स होते हैं। और इस ऐप में जो मज़े की बात है वो ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और लेकिन इसमें एड्स शो होते हैं, और एड्स इस फ्रीक्वेंसी से शो होते हैं कि आप इरिटेट नहीं होते, जैसे मतलब बार 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 बार
अक्सर ऐप्स में एड्स शो होते हैं, उस तरह से इस ऐप में एड्स शो नहीं होते हैं। तो आप प्ले स्टोर से डिफरेंट ऐप्स को ट्राई कर सकते हैं। वॉलपेपर डेली बेसिस पे जो वॉलपेपर चेंज करने वाले लोग होते हैं, जिनको शौक होता है डेली बेसिस पे वॉलपेपर चेंज करने का, वो इस तरह से ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल की भी एक ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट की भी एक ऐप है डेडिकेटेड जो वॉलपेपर्स के लिए होती है। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलपेपर्स आपको मिल जाते हैं। और जी अभी इसमें कुछ जो इसकी डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं उनको ट्राई आउट कर लेते हैं, जो डेली रूटीन में यूज़ होने वाली कुछ ऐप्स होती हैं। फ़ोटोज़ की ऐप है, इसमें कुछ फ़ोटोज़ नहीं हैं तो उस तरह से इस पर लोड नहीं होगा। गूगल की ऐप है, इसको भी थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। ये शुरू में बहुत ही सिंपल सी ऐप थी, अभी ये काफ़ी हैवी हो चुकी है और इससे भी हमें सेल फोन की परफॉर्मेंस को असेस करने में मदद मिलती है। जैसे क्रोम को ओपन करें तो उसमें जो कंटेंट शो हो रहा होता है ऑलमोस्ट वही कंटेंट हमें यहाँ पे शो हो रहा होता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ऐप्स इसमें ऑलरेडी ओपन हैं, और अगर हम इसमें मज़ीद ऐप्स को ओपन करें तो वो भी ये बहुत अच्छे से कर सकता है क्योंकि इसमें 8 GB की रैम है। तो चलिए अभी कैमरा के फीचर्स, इसमें जितने भी कैमरा के फीचर्स हैं उन सबको चेकआउट करते हैं कि कौन कौन से फीचर्स ओप्पो ने हमें प्रोवाइड किए हैं। नाइट मोड था सबसे पहले, उसके बाद वीडियोज़ का मोड है, वीडियोज़ में आप ये सारे ऑप्शन देख सकते हैं। फिर फ्लिप सेल्फी का अक्सर लोगों को नहीं पता होता है, इसको आप अगर ऑन कर लें तो जैसे आप बैक कैमरा से पिक्चर लेते हैं उसी तरह से पिक्चर लेंगे, मतलब सेल्फी कैमरा से पिक्चर अगर आप लेते हैं तो वो इमेज को थोड़ा सा रोटेट कर देती है, इस तरह से फ्लिप सेल्फी कर लेंगे तो वो एक्चुअल पिक्चर आपको शो होगी। वीडियोज़ में आप 4K तक वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1080p की वीडियोज़ आप 60 फ्रेम्स तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वीडियोज़ में भी आपके पास फ़िल्टर्स थे और फोटोज़ में भी आपके पास फ़िल्टर्स हैं। पिक्चर्स वगैरह जब आप कैप्चर करते हैं तो आप ये फ़िल्टर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। वीडियोज़ में ये सारे ऑप्शन हैं, आपके पास अल्ट्रा स्टडी मोड है और अल्ट्रा स्टडी में प्रो मोड भी आपके पास अवेलेबल है। नीचे जो लेफ्ट साइड पर बटन शो हो रहा था वो अल्ट्रा स्टडी प्रो मोड है। उसके बाद HDR ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, फोटोज़ मोड में डेजल कलर ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। डेजल कलर मोड बहुत अच्छा है, इसमें जब आप पिक्चर्स कैप्चर करते हैं तो ये कलर्स को बहुत एनहेंस कर देता है पिक्चर के और बहुत कूल लगती है पिक्चर। 48 मेगापिक्सल्स को इन्होंने सेटिंग्स में हाइड कर दिया है, जबकि आई बिलीव इसको डेडिकेटेड इसका यहाँ पे नीचे ऑप्शन होना चाहिए था, जैसे फ़ोटोज़ वीडियोज़ नाइट मोड है यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था। तो जब आप नॉर्मल पिक्चर्स कैप्चर करेंगे तो याद रखिए वो 48 मेगापिक्सल्स की नहीं होंगी, जब भी आपको 48 मेगापिक्सल में पिक्चर कैप्चर करना पड़ेगी तो आपको हर दफ़ा वहाँ से ऑन करना पड़ेगा सेटिंग्स में जाके। पोर्ट्रेट मोड था, उसके बाद मोर में ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास। स्लो मोशन वीडियोज़ हैं, स्लो मोशन वीडियोज़ आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ से आप फ्रेम रेट इसका चेंज कर सकते हैं 120 फ्रेम्स पर सेकेंड, 240, 480 और 960 फ्रेम्स तक। और याद रखिए 960 फ्रेम्स की जो वीडियोस हैं वो 1080p या 720p की रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड नहीं होती हैं, ये ऑलमोस्ट 480p की रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड होती हैं। उसके बाद एक्सपर्ट मोड है, इसमें आप मैनुअली सारी सेटिंग्स को हैंडल या एडजस्ट कर सकते हैं। जो कैमरा लवर्स होते हैं, प्रो मतलब कैमरा मैन होते हैं, उनके लिए फ़ीचर होता है, आम लोगों को इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आई विल सजेस्ट स्टिकर मोड है, इसमें जब कोई भी बंदा कैमरा के सामने होता है तो उसके फेस पर डिफरेंट स्टिकर्स वगैरह होते हैं, यहाँ से आप कुछ स्टिकर्स डाउनलोड कर सकते हैं और कूल पिक्चर्स आप ले सकते हैं यहाँ से। टेक्स्ट स्कैनर है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की पिक्चर्स लेने के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है। पैनोरामिक मोड है, उसके बाद टाइम लैप्स का मोड आपके पास अवेलेबल है, इसमें आप फास्टर वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद जी फ्रंट कैमरा में चलते हैं, और स्लो मोशन आपके पास फ्रंट कैमरा में भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे फ्रेम रेट चेंज करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो आई बिलीव मैक्सिमम 240 फ्रेम्स तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद फ़ोटोज़ की सेटिंग्स हैं, ये आप HDR फ्रंट कैमरा में भी अवेलेबल है। ब्यूटिफिकेशन मोड है, इसमें आप अपने फेशियल फीचर्स जो होते हैं नोज चिन वगैरह ये छोटा या बड़ा कर सकते हैं, आईज़ छोटी या बड़ी कर सकते हैं आप। उसके बाद HDR ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, फ्लैश ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी जब फ्रंट कैमरा से आप फ्लैश लेते हैं तो ये स्क्रीन को ही एक दफ़ा ब्राइट करता है और उसका इफ़ेक्ट आपके फेस पे पड़ता है, इसमें कोई लाइट नहीं है। वीडियोज़ में आपके पास ये सारे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं वीडियोज़ में भी आपके पास फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं फ्रंट कैमरा में, और उसके बाद आप स्क्रीन पर डिटेल्स पढ़ सकते हैं।
उसके बाद पोके मोड है आपके पास, फ्लिप सेल्फी हमने ऑन कर ली थी ऑलरेडी, नाइट मोड आपके पास फ्रंट कैमरा में भी अवेलेबल है विच इज़ वेरी कूल, अक्सर सेलफोन पे सिर्फ बैक कैमरा में अवेलेबल होता है। और फ्रंट कैमरा में आप 1080p तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्सिमम, और स्लो मोशन वीडियोस भी आप 1080p तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो 120 फ्रेम्स पर सेकंड पे होगी। और अगर आप 240 फ्रेम्स पर सेकंड अभी अवेलेबल नहीं है एज एडवर्टाइज्ड, 240 फ्रेम्स की वीडियोस स्लो मोशन वीडियोस 720p के रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड होती हैं। तो चलिए अभी सेल फोन में थोड़ी सी गेमिंग को ट्राई करते हैं, पबजी मोबाइल है, इसकी सेटिंग्स में चलते हैं और इसके ग्राफिक्स को चेकआउट करते हैं किस ग्राफिक्स तक मैक्सिमम हम खेल सकते हैं। स्मूथ में अल्ट्रा की सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं, बैलेंस में भी अल्ट्रा तक अवेलेबल है, एसटी में हाई ग्राफिक्स तक अवेलेबल है, एसटी में अल्ट्रा का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, अल्ट्रा के बाद एक्सट्रीम का भी ऑप्शन होता है, वो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है एसटी में। यही मैं बात कर रहा था कि दोनों जीपीयू और चिपसेट जो प्रोसेसर है दोनों सेम दे दिए हैं ओप्पो ने, थोड़ा सा आई बिलीव अपग्रेडेड होना चाहिए था, लेकिन प्राइस डिफरेंस शायद बहुत ज़्यादा नहीं है दोनों सेल फोन में, 20 या 25,000 रुपीज़ के लगभग है प्राइस डिफरेंस, तो वो आए अब कैसे एडजस्ट किया गया है आई डोंट नो। ओके जी, तो गेम प्ले अभी ट्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए कि गेम प्ले कैसा है। ग्राफिक्स जितनी इसमें अभी ऑन है काफ़ी कूल ग्राफिक्स लग रही हैं, कलर्स काफ़ी कूल लग रहे हैं क्योंकि इसका डिस्प्ले एमोलेड है तो काफ़ी कूल और मज़े का डिस्प्ले लग रहा है, और गेम प्ले काफ़ी स्मूथ लग रहा है एसडी और हाई की सेटिंग्स में। और यहाँ पे हमें जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो सही से नज़र नहीं आ रहा होता, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई रियली बैड गेम प्ले, जब मैं एक्चुअली खेल रहा होता हूँ तो इतना बुरा गेम प्ले नहीं होता है मेरा। और एरिना मोड जो अभी हम ये प्ले कर रहे हैं इसमें मेरा जो रिकॉर्ड है वो तकरीबन 30 किल्स मैंने किए हुए हैं, 28-26 काफ़ी दफ़ा मैंने ये इतने किल्स किए हुए हैं, तो प्लीज़ एक्सक्यूज दिस बैड गेम प्ले, अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है, जबकि यहाँ पर नैनो सेकेंड्स के हिसाब से हमें शॉट्स लेना पड़ते हैं, ज़रा सा डिले हो जाए तो इतने में दूसरा बंदा मार देता है। तो अभी तक आप देख सकते हैं काफ़ी कूल इसका गेम प्ले है, और थोड़ा सा हम इसको ज़्यादा गेम प्ले करते हैं, 2 से 2.5 मिनट तक का गेम प्ले करने की कोशिश करते हैं कि सेलफोन के टेम्परेचर को हमें असेस करना होता है और उसके बारे में भी आपको बताना पड़ता है। तो अभी तक माइनर सा नॉर्मली हीटेड है सेलफोन, ज़्यादा हीटेड नहीं है, जितना भी हमने इस पर ऐप्स वगैरह भी शुरू में ट्राई की हैं तो माइनर सा हीटेड है सेलफोन, बहुत ज़्यादा हीटेड नहीं है। उसके बाद एसफॉल्ट 9 है, इसको ट्राई करेंगे, इसके ग्राफिक्स सेटिंग्स में चलते हैं, और ग्राफिक्स सेटिंग्स में चल के इसकी हाई क्वालिटी पर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है ऑलरेडी, तो हाई क्वालिटी पे इसको चेकआउट करेंगे, तो देखने में इसकी ग्राफिक्स काफ़ी कूल लग रही हैं जितने भी इफेक्ट्स इसके ऑन किए हैं हाई ग्राफिक्स सेटिंग ने, तो उसमें आप इसको चेकआउट करेंगे कि यहाँ पे हमें कोई लैग वगैरह देखने को मिलता है या ओवरऑल स्मूथ या बटरी स्मूथ किस्म की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। तो अभी तक काफ़ी कूल ये गेम प्ले हो रही है, एक दो जो एनिमेशन अभी चली थी जहाँ पे एनिमेशन होती हैं इस तरह की वहाँ पे हमें लैग देखने को मिल जाता है, यहाँ दूसरी कार्स जब क्लाइड करती हैं टक्कर मारती हैं तो वहाँ पे हमें लैग देखने को मिल जाता है, एंड दैट्स रियली कूल पेन। ओके जी, तो और स्मोक या ये इसकी लाइट निकल रही है पीछे से गाड़ी की, अभी जैसे स्मोक था रोड पे इस तरह की एनिमेशन में लाइट देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ काम की, ज़रा सा भी माइनर सा भी कहीं पे भी लैग देखने को हमें नहीं मिला। तो अभी इसके नोटिफिकेशन पैनल में चलते हैं, और नोटिफिकेशन पैनल में आप कुछ सेटिंग्स को देख सकते हैं, ये सारे फीचर्स इसमें ऑलरेडी एडेड हैं, यहाँ से आप कुछ डिलीट करना चाहें तो वहाँ से ड्रैग करके नीचे ला सकते हैं, या कोई मज़ीद ऑप्शन आप यहाँ से ऐड करना चाहें तो नीचे से ड्रैग करके ऊपर ले जा सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे उसके मुताबिक। अभी सेटिंग्स में चलते हैं और सेल फोन में जितने भी फीचर्स हैं एंड्रॉयड के उनको चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, कलर ओएस 7.2 के जितने फीचर्स हैं उनको चेकआउट करते हैं। कॉल सेटिंग्स हैं, कॉल सेटिंग्स में ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास, अक्सर लोगों को पता नहीं होता है या कि इसमें कॉल्स के या वो ऐप लॉक वगैरह या इस तरह के फीचर्स अवेलेबल हैं या नहीं, तो हम इसलिए थारोली सारी सेटिंग्स और सारे फीचर्स को कवर करते हैं।
स्क्रीन कॉस्ट वगैरह का ऑप्शन है जी आपके पास। उसके बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में चलते हैं, उसमें ये सारे ऑप्शन हैं, आप स्क्रीन पे थरोली देख लीजिए प्लीज़। बैटरी परसेंटेज और रियल टाइम नेटवर्क स्पीड है। वेक स्क्रीन वैन नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड। उसके बाद हम चलते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। डार्क मोड है आपके पास, डार्क मोड इस पर बहुत ही कूल लगना चाहिए क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले है। उसके बाद आई कंफर्ट मोड है, जब रात को आप रीडिंग वगैरह करते हैं तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब आप सिंगल टैप करेंगे तो आपको इस तरह से डिस्प्ले शो हो जाएगा जब स्क्रीन ऑफ होती है। उसके बाद सेटिंग्स में वापस चलते हैं और आप इसको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को स्केड्यूल भी कर सकते हैं, ये कब ऑन या ऑफ करना चाहते हैं। अमूमन हमें इसकी रात को ज़रूरत पड़ती है या जब भी आपको ऑफिस टाइमिंग में जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि ये ऑटो ऑन हो जाए। विविड मोड है, जेंटल मोड है, स्क्रीन का ये मोड है। इसको अगर आप विविड मोड को ऑन कर लेंगे तो ये कलर्स को इम्प्रूव कर देता है, एनहांस कर देता है। रिफ्रेश रेट है, आप ऑटो पे रख सकते हैं। कुछ ऐप्स हैं जहाँ पे 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट चलेगा ऑटोमेटिकली, और जहाँ पे ज़रूरत होगी ये इसको 60 हर्ट्ज पे कर देगा। और ये OSIE विजन इफेक्ट है, ये इस तरह से काम करता है। अगर पिक्चर्स इस तरह से हैं, डल हैं, तो ये कलर्स को इम्प्रूव कर देता है। तो रिफ्रेश रेट की मैं बात कर रहा था, ऑटो पे इसको रखना चाहिए आपको। जब 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा तो ये बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं, इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन डिस्प्ले है, इसमें आप देख सकते हैं। अगर आप कुछ ऐप्स हैं जिसमें आप नेविगेशन बार और ऊपर का जो स्टेटस बार होता है इसको हाइड करना चाहते हैं तो आप वहाँ से ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं जो फुल स्क्रीन मोड में चलेंगी। एज लाइटिंग इफेक्ट है, इसमें आप जब भी आपको नोटिफिकेशन रिसीव्ड होता है तो स्क्रीन की साइड्स को ये लाइट कर देता है और बहुत ही कूल इफेक्ट लगता है। नोटिफिकेशन इसमें लाइट नहीं है तो ये काफ़ी कूल फीचर है सैमसंग का, जो कि अभी ओप्पो अप्लाई कर रहा है। क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है ये जैसे एज सैमसंग का फ़ोन था, ये उस तरह से इसका डिस्प्ले साइड से कर्व्ड है। आइकन पुल डाउन जेस्चर है, इसकी डिटेल आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन की सेटिंग्स हैं। यहाँ पे आपके पास जो इसका लॉन्चर है उसकी सेटिंग्स हैं। आप स्क्रीन में जो आइकन शो हो रहे होते हैं उनको ज़्यादा कर सकते हैं, पहले 4-4 आइकन फिर 5-5 शो होंगे आपको। उसके बाद आइकन ऑटोफिल का ऑप्शन है, मतलब स्पेसेस जो रह जाती हैं आइकॉन्स के बीच में, अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो ऑटोफिल हो जाएगा वो। उसके बाद स्वाइप डाउन फॉर ऑन होम स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, ये वहाँ से हमने ऑन किया था, पहले सर्च था, अभी हमने नोटिफिकेशन पैनल को कर दिया। जब भी आप स्क्रीन को स्वाइप करेंगे तो नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाएगा, स्वाइप डाउन सॉरी। उसके बाद साउंड एंड वाइब्रेशन में ये सारे ऑप्शंस हैं। इसको हम चेकआउट इसलिए कर रहे हैं, पहले सिर्फ साउंड के ऑप्शंस होते थे, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा या कम कर सकते हैं आप, और अभी इसमें ये सारे फीचर्स होते हैं कि आप डिफरेंट जो साउंड्स हैं उनको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं तो कैमरा से जैसे आप फोटो कैप्चर करते हैं तो उसी तरह की साउंड आती है। सिंपली अनोइंग वॉइस को साउंड्स को आप डिसेबल कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब मोड है आपके पास, जब आप इसको ऑन कर देते हैं तो सेलफोन का वॉल्यूम जो है नोटिफिकेशन का और रिंगटोन्स फुल भी रहे हैं तो आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कर देता है, मतलब नोटिफिकेशन की साउंड आपको नहीं मिलती हैं। लेकिन नोटिफिकेशन पैनल में आपके नोटिफिकेशन सेव रहते हैं, जब भी आप सेलफोन को उठाएँगे तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जब आप मीटिंग वगैरह में हो या इस तरह कभी फैमिली में हो तो आपको यह फीचर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। वे गूगल असिस्टेंट विद पावर बटन है। उसके बाद नेविगेशन बटन्स हैं, यहाँ से आप फुल स्क्रीन जेस्चर्स को ऑन कर सकते हैं। और वर्चुअल बटन्स हैं, स्मार्ट साइड बार है आपके पास। नेविगेशन बटन्स में कुछ मज़ीद सेटिंग्स हैं आपके पास, नीचे आप इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ूँगा तो वीडियो मज़ीद लेंथी होती जाएगी। उसके बाद असिस्टिव बाल का ऑप्शन है आपके पास, जब आप फुल स्क्रीन जेस्चर्स को ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे एक बाल आपको शो हो जाता है जिसे आप एक दफ़ा टैप करते हैं तो बैक, और ये आप उसकी डिटेल्स नीचे पढ़ सकते हैं। डबल टैप करेंगे तो मल्टीटास्किंग, टच एंड होल्ड करेंगे तो होम स्क्रीन पे आप चले जाएंगे। और फुल स्क्रीन जेस्चर्स में ये एंड्रॉयड 10 से आया है और काफ़ी पुराना फीचर हो चुका है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। स्मार्ट साइड बार है, ये ऑलमोस्ट अभी तमाम सेल फोन में ये फीचर आ रहा है।
इसमें स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉरी आप इसमें ऑन कर सकते हैं, यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऐप्स जो होती हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप फास्टली उनको अप्रोच कर सकते हैं। और स्मार्ट साइड बार की मज़ीद सेटिंग है, उसका बटन आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं या विजिबल कर सकते हैं। जेस्चर्स एंड मोशन में स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स हैं, जब स्क्रीन ऑफ होती है तो आप इस तरह के ओ अगर टाइप करेंगे स्क्रीन पे तो कैमरा ओपन कर देगा, वी टाइप करेंगे तो फ्लैश लाइट को ऑन कर देता है। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेंगे, अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। म्यूज़िक को भी आप स्क्रीन जब ऑफ होती है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये उस तरह से काम नहीं कर रहा तो प्लीज़ एक्सक्यूज़, क्योंकि हमने उसकी जो स्क्रीन है, सेटिंग्स वाली स्क्रीन है, इसको क्लोज़ नहीं किया था। जब इसको क्लोज़ करते हैं तो तब ये काम करती है। ऑटो स्विच टू एयर रिसीवर है, ऑटो एयर पिकिंग है, मतलब जब हेडफोन वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, ब्लूटूथ हेडसेट यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए सेटिंग वगैरह हैं। उसके बाद प्राइवेसी में आपके पास ऐप लॉक है, किड स्पेस है, प्राइवेट सेफ है। प्राइवेट सेफ में आप कुछ जो प्राइवेट फाइल्स वगैरह होती हैं, पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं आपकी, वो फैमिली की पिक्चर्स आप हाइड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बैटरी में चलते हैं, बैटरी में आपके पास दो पावर सेविंग मोड्स हैं। जब आप आउटडोर्स हों या बैटरी आपकी डाउन हो रही हो तो आप इनसे मदद ले सकते हैं। आप पावर सेविंग मोड्स ऑन कर लें तो आपकी बैटरी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है, आपके सेलफोन की, आपकी नहीं सॉरी। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस मोड है, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो सेलफोन की परफॉर्मेंस मज़ीद एनहेंस्ड हो जाती है, गेमिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। लेकिन जब आप इसको ऑन करेंगे तो बैटरी ड्रेन के लिए तैयार रहिए। उसके बाद एडिशनल सेटिंग में आपके पास ये सारे फीचर्स हैं, स्क्रीनशॉट जैसे आप कैप्चर कर सकते हैं उसकी सेटिंग्स हैं, आप स्क्रीन पे प्लीज़ डिटेल्स पढ़ लीजिए इसकी, ओ सॉरी। उसके बाद आगे ये सेटिंग्स हैं आपके पास, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद एडिटिंग वगैरह अगर करके आप पिक्चर्स को डिलीट करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान अगर आप कोई वीडियोस प्ले कर रहे हैं सेलफोन पे तो जो इंटरनली उसकी वॉइस रिकॉर्ड होगी। उसके बाद 1080p की रेजोल्यूशन तक आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्क्रीन की ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट मोड में या लैंडस्केप मोड में आप एडजस्ट कर सकते हैं कि जब भी आप सेलफोन को रोटेट करें तो रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब ना हो। माइक्रोफोन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट कैमरा भी रिकॉर्ड कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। एक्सेसिबिलिटी में इसके ये सारे फीचर्स हैं, ये एंड्रॉयड के नेटिव फीचर्स हैं और काफ़ी अर्से से ये चल रहे हैं। मैग्निफिकेशन अक्सर लोगों को नहीं पता होता, जिनकी नज़दीकी नज़र कमज़ोर होती है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए आपको। लार्ज माउस पॉइंटर है, क्लिक व्हेन पॉइंटर स्टॉप्स मूविंग, आप इस डिटेल्स पढ़ सकते हैं, इनको ज़रूर चेकआउट कीजिए, अक्सर काफ़ी हेल्पफुल फीचर्स होते हैं एक्सेसिबिलिटी में। और ये ऑलमोस्ट सब सेलफोन्स में होते हैं, अगर आपके पास ओप्पो नहीं है तो भी। OTG कनेक्शन यहाँ से आपको ऑन करना पड़ेगा, यहाँ से आप ऑन नहीं करेंगे तो आप USB OTG नहीं लगा सकेंगे, यूज़ नहीं कर सकेंगे। ऐप मैनेजमेंट है, ऐप लिस्ट है, डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं, ऐप परमिशन हैं। उसके बाद ऐप क्लोनर है, इसमें जैसे जैसे आप ऐप्स इंस्टॉल करते जाते हैं, व्हाट्सएप वगैरह नहीं है, व्हाट्सएप टेलीग्राम स्नैपचैट इस तरह की जो ऐप्स होती हैं जो सपोर्टेड होती हैं उनके आप डुअल ऐप्स रख सकते हैं जिनमें डिफरेंट अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐप्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। गेम असिस्टेंट है, गेम स्पेस है सॉरी, गेमिंग के लिए हेल्पफुल फीचर है। इसके बाद स्प्लिट स्क्रीन का फीचर है आपके पास, स्प्लिट स्क्रीन को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं ये उसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। और सिस्टम बाल को हम ऑफ करना भूल गए, तो प्लीज़ एक्सक्यूज फॉर दैट। ओके जी, तो दैट्स इट फॉर द सेटिंग्स जी। तो ये था ओप्पो रेनो 4 प्रो का इनडेप्थ रिव्यू। अगर इसके सेटिंग्स और फीचर्स में कुछ चीज़ ऐसी रह गई है जिसको मैंने एलैबोरेट नहीं किया तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलिए। अगर आप ये सेलफोन बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके पाकिस्तान में कहीं से भी कैश ऑन डिलीवरी पर सेलफोन बाय कर सकते हैं। आई एम सिद्धार्थ मान साइनिंग आउट, सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम अदर रिव्यूज। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।